व्हाट इज अप गाइस, तो आज आपको एक नई आवाज़ सुनने को मिल रही होगी। अब देखो, मैं जानता हूँ आप लोग ये क्लिक बेट देख के आए हो, जो थंबनेल हमने डाला हुआ है वो देख के आए हो। यस, मैं भी मास्टर एक्स टीम का ही मेंबर हूँ। अब मास्टर एक्स टीम इतनी कोई बड़ी है नहीं, बट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं भी एक मास्टर एक्स टीम का ही मेंबर हूँ। और यस, आप लोगों ने देखा कि CBSE रिजल्ट अनाउंस वगैरह, ये बहुत बड़ी दुकान खुली हुई है आज की डेट में। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, एक बहुत 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 बड़ी दुकान, एक अलग ही लेवल पे ये लोग जो बच्चों को पागल बना रहे हैं, इन लोगों को सीरियसली अगर अपना भाई समझ के आपको बोलूँ ना, मैं भी 10th में ही हूँ यार, सुनो, अगर मैं आपको बोलूँ ना, तो ये लोग है ना सिर्फ आपको पागल बना रहे हैं आज की डेट में। कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं है कि आपके मार्क्स कितने आएंगे, कोई नहीं पूछने वाला, आप फेल हो जाओ पास हो जाओ, किसी को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप आज की डेट में, मैं आपको अभी अपने PC स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि यूट्यूब खोल के मैं एक एक चीज़ दिखाऊंगा कि कैसे कैसे लोग हैं जो आप लोगों को पागल बना रहे हैं, सिर्फ आप लोगों को एक क्लिक बेट के नाम पर पैसे ले रहे हैं। मैं जानता हूँ ये असल में आप लोगों की गलती नहीं है, आप सब तो भोले पंछी हो, ठीक है, पर देख लो एक बार, आप लोग समझ जाओगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सबसे पहले हम CBSE की वेबसाइट देखेंगे आगे। सबसे पहले अगर मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे यहाँ पे CBSE लिख लेता हूँ, ठीक है, अब आप देखना, ये देखो पूरा यहाँ पे दुकान खुली पड़ी है आपके सामने। CBSE की ये रिजल्ट आ गए, CBSE ने ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया, इसने ये टर्म टू कैंसिल कर दिया, इसने वो कर दिया, इसने वो कर दिया। देखो यार, आप लोग सबसे पहले तो भोले पंची बनना छोड़ दो। जब CBSE को जो करना होगा वो ऑफिशियली अनाउंस कर देगा, वो टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह में आ जाएगा, अपने फ़ोन में आज तक दैनिक भास्कर जैसे ऐप डाउनलोड कर लो अगर आपको न्यूज़ देखने का शौक है, ठीक है। पहली चीज़ तो देखो ही मत, अभी देखोगे सिर्फ पैनिक होगे, ठीक है। अब ऐसे ये बंदा है कोई विशाल कुमार जायसवाल, ठीक है, ये बंदा इतना सिंपैथी गेम खेल रहा है, ये देखो जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ना, आप लोग इसका चैनल चेकआउट करना रहे यार, ये ऐड आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको इसके कमेंट्स पढ़ा दूं, तो देखो यार, मेरे को कमेंट्स में ये देखो, ये अपने मी इन हॉस्पिटल, ये क्या दिखाना चाह रहा है कि मतलब कोई सिंपैथी गेम खेलना चाह रहा है कि नहीं यार, मेरे को तो आप लोग बस बताओ कि मैं हॉस्पिटल से आया हूं, बाल में अलग ही रंग लगा हुआ है, मतलब कौन ही बेवकूफ़ होता है। देखो ये वीडियो का पर्पज़ बहुत सीरियस है, जैसे कमेंट्स देखो आप लोग, मैं अपने माउस से हाईलाइट कर रहा हूँ, मैंने पढ़ना नहीं चाह रहा, ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, मैं इसे आप बस आप एक बार देख लो। ये देखो ऐसे ऐसे लिंक्स देता है, मतलब ये बंदा है ना, इसको बचपन में तो पास तो हो नहीं पाया होगा अपनी 10th में, सही बोल रहा हूँ मैं, अपनी 10th में पास तो हो नहीं पाया होगा ये, है ना। तो बचपन में इसको आपको था नहीं पैसे कमाने के लिए, बाहर कहीं जाता होगा तो इसको लात मार के निकाल देते होंगे इस बंदे को, इसलिए इसने अपनी दुकान यूट्यूब पर लगा ली। और आप जैसे भोले पंछियों का दिमाग का मिसयूज़ करके, आप जैसे इसके बाल देखो, अलग ही टिकटॉक का जोकर बना हुआ पड़ा है। मैं इसको बॉडी शेम नहीं कर रहा हूँ, मेरे को इस बंदे पे गुस्सा आई है, मैं इस बंदे को 3 दिन से 4 दिन से लगातार देख रहा हूँ, एक दिन में 2-2 वीडियोस डाल रहा है, खतरनाक से गंदी सी चीज़ें इसने अपलोड कर रखी है कि हर चीज़ में दुकान खोल के CBSE से मेरी ये बात हो गई, मेरे पे ये टीम है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये। अरे ऐसी कौन सी टीम है भाई तेरे पास, ऐसे कौन से तूने बंदे खड़े कर लिए अपनी बात में कि भाई, मतलब तूने ऐसे कौन से बंदे खड़े कर लिए अपने कि लोग मतलब तेरे को देखे कि हाँ CBSE में तेरी कौन सी पहचान है भाई, कहाँ का विधायक है, कहाँ का नेता है तू, CBSE में कोई पॉलिटिक्स नहीं चलती भाई। तूने एक जो समझ रखा है ना YouTube को अपना धंधे का प्लेटफॉर्म, इसकी मैं एक वीडियो आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मैंने आपको अभी वीडियो दिखा दी, कल ये बंदा, मैं आपको इसकी वीडियो दिखा नहीं सकता, वरना कल ये बंदा मेरे पे कॉपीराइट स्ट्राइक मार के मुझे पागल बना देगा, मेरा पूरा का पूरा चैनल टर्मिनेट करवा सकता है ये, ठीक है। मैं पागल हो चुका हूँ, वैसे भी ऐसे लोग हो इस जैसे नहीं, बहुत से लोग हैं, मतलब कोई न्यूज़ चैनल खोल रखा है कि यार किसी को इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी टीम क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, इसकी कोई भी वीडियो देख लो आप, कोई भी उठा लो, हर चीज़ में इसके चैनल में, आप इसका चैनल खोलना, अभी मैं आपको चैनल खोल के भी दिखाऊंगा कि जो धंधा खोल रखा है ना, बड़ा गुस्सा आता है यार ऐसे लोगों पर बहुत ज़्यादा, कि मतलब हम जानते हैं कि बच्चा पहने को रखा है, क्योंकि देखो 2021 और 22 वाले एग्ज़ाम वाले सबसे बड़े मतलब एक्सपेरिमेंटल बैच कह सकते हैं कि हम लोग एक एक्सपेरिमेंटल बैच बन रखे हैं, हर कोई हमारे आके बजाई जा रहा है, ठीक है। अब अपनी बज रही है तो जो बंदे होते हैं जो टॉपर होते हैं असलियत में, वो अपना जानते हैं कि हमें कोप अप कैसे करना है, हमें कहाँ जाना है, हमें कैसे करना है, लेकिन जो मतलब नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट होता है जो कभी समझ नहीं पाता, वो नहीं कर पाता कोप अप, ठीक है। अब एक मिनट वापस साइड टॉपिक पे, ये देख लो आप इसका जो इसने बना रखा है, ये देखो हर चीज़ में इसने CBSE को सेट रखा, CBSE, इसने अपना नाम भी विशाल कुमार जायसवाल जो भी है इसका नाम, ठीक है, इसने ये भी क्यों रखा है, CBSE का नाम रख देना कि मेरा नाम CBSE और मैं आपको क्लिकबेट करूंगा, ठीक है। अपन YouTube पे YPM ब्लॉग्स अगर देखते हो गए, आप YPM ब्लॉग्स के रोज़ देखते हो, आप उनको लाइक करते हो, ठीक है, गटसी लड़का वगैरह जो भी लोग हैं, अजूज वजूज के ब्लॉग्स देख के लाइक करते हो आप, ठीक है, वैसा ही ये भी है,
ठीक है, ये इन लोगों ने भी YPM वगैरह की तरह धंधा खोल रखा है। अगर अब हम CBSE की वेबसाइट पे आ जाते हैं, एक बार मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, CBSE की वेबसाइट देख लो, लास्ट जो उसका अब अनाउंसमेंट हुआ है वो शायद 5/1/2022 को हुआ है, ठीक है, 5 जनवरी को इसने अनाउंसमेंट किया CBSE ने, जो भी वैक्सीनेशन का है। उसके बाद CBSE ने आधा अपडेट नहीं दिया, एक तो बहुत बड़ी बात समझ लो, आधा अपडेट नहीं दिया है CBSE ने, ठीक है। ये लोग अपने मन से कुछ भी बना रहे हैं, ठीक है, यूट्यूबर्स ट्वीट करते हैं, CBSE करता होगा ट्वीट बैक, पर ये लोग जो पागल बना रहे हैं ना, CBSE जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना करे आप लोग कुछ भी मत समझो, आप अपने ऑफलाइन सब्जेक्टिव की तैयारी चालू रखो। मैं आपको ये चैनल इसलिए दिखा रहा हूँ कि देख लो आप हर एक चीज़ में ये CBSE, अरे बस कर भाई यार, तूने हर जगह CBSE चेप रखा है, हर जगह मोदी जी CBSE अपनी एक छोटी सी फोटो, क्या मिल जाएगा भाई, कितने पैसे कमा लेगा तू इससे, है कितने घर चला लेगा अपना, जो हॉस्पिटल का ड्रामा कर रहा है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरे को ये हो गया वो हो गया, ऐसा क्यों कर रहा है भाई, अपनी चल हेल्थ का ध्यान रख। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे को तेरे से कोई हेट वगैरह है, तू अपना ध्यान रख ना, तू हॉस्पिटल में है भाई, तू अपना ध्यान रख तू, ठीक है, जैसे तेरे भोले पंचे सब्सक्राइबर तेरी केयर कर रहे हैं, हम भी बोल देते हैं, ध्यान रख अपना, और कुछ 15 से 20 दिन अपना वीडियो बंद रख ताकि लोगों को मेंटल प्रेशर ना हो, तू मेंटली हरेस कर रहा है लोगों को, कोई चाहे तो तुझ पे चार्जशीट फाइल भी कर सकता है, लेकिन ठीक है, यूट्यूबर कोई नहीं करेगा, उनको लग रहा है कि हाँ हमारी भलाई के लिए बंदा कर रहा है, लेकिन असलियत में आपकी भलाई के लिए ऐसे बंदे नहीं है, इन लोगों को सिर्फ अपने हॉस्पिटल का बिल निकालना, जिस हॉस्पिटल में जा रहा है ना वो आप ही के पैसे से कमा के गया है, आप लोगों से छीन के पैसे ले गया है। आप लोग बार बार इसकी वीडियो में देखो, आपने पूरी वीडियो देख ली, आप इसको वॉच टाइम मिल गया, इसको व्यूज़ मिल गया, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर पाए, सिर्फ आप सिर्फ परेशान ही हुए हो ऐसे लोगों के चक्कर में, ठीक है। अब मैं आपको और भी दिखाऊंगा, ये देखो एक और बंदा है, ये मियाँ भाई क्लासेस करके, ठीक है, इस बंदे ने भी बहुत अपना धंधा बना रखा है, ठीक है, ऐसे एक नहीं दो नहीं है, मैं सिर्फ ये दो लोगों को या एक लोग को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, ऐसे लाखों लोग हैं जो चुपचाप से बना रहे हैं, चुपचाप से आप लोगों के दम पे धंधा चला रहे हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ों को प्रमोट मत करो यार, कोई मतलब नहीं है लोगों को प्रमोट करने का, आप लोग जितनी भी वीडियोस देख लो कोई कुछ नहीं मिलने वाला आपको इनमें, ठीक है, हम बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे, हम ये सोच रहे हैं, हम ये सोचेंगे, जो भी होगा फाइनली आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है, पर कम से कम ऐसे लोगों को तो व्यूज़ मत दो जो केपेबल नहीं है उस व्यूज़ के, जो आपके व्यूज़ की वैल्यू नहीं रखते, ये सिर्फ आपके पैसे कमाने के लिए ही आए हैं, एग्ज़ाम कैंसिल हो गए, ये हो गए, अरे कब कोई पागलपन आएगा एग्ज़ाम कैंसिल हो गए, कैसे हो जाएंगे एग्ज़ाम कैंसिल यार, अभी वैक्सीन लगना चालू हो गई है, तो ये चीज़ आप लोग दिमाग में रखो कि एग्ज़ाम होंगे ही होंगे और ऑफलाइन भी होंगे, ठीक है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का भी मैं भी कोई कंफ्यूजन नहीं देख रहा, जब तक CBSE अनाउंसमेंट नहीं कर रहा आप ये तीन चीज़ अपने दिमाग में रख लो, सब्जेक्टिव होंगे, ऑफलाइन होंगे और एग्जाम होंगे, ये तीन चीज़ अपने दिमाग में रखी बहुत है, ठीक है। रही बात एक और टॉपिक में उठाऊंगा अभी, जो कि ये बुक्स का रेफरेंस बुक, ठीक है, जो डियर सर हैं एडुकार्ट की बुक हम लोगों ने मास्टरएक्स टीम ने ऑलरेडी एक बार पढ़ के देख ली, कुछ भी नहीं मिला, ठीक है, ये एक वीडियो दे रहा हूँ मैं आपको, ये क्लासेस 10 CBSE का, ये लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार ये वीडियो देख लेना, ठीक है, आप लोग वो भी समझ जाओगे कि वो बंदा क्या कहना चाह रहा है। मैं कोई वॉच टाइम नहीं खींच रहा कि मैं आपको बता दूं, मैं उल्टा दूसरे के चैनल को प्रमोट कर रहा हूं, भले ही मेरा चैनल कुछ भी नहीं है इसके सामने, मेरा नहीं मतलब मास्टरएक्स टीम का चैनल कुछ भी नहीं है इसके सामने, लेकिन फिर भी मैं प्रमोट कर रहा हूं, ठीक है। मैं कुछ आना नहीं चाह रहा था कभी इस चैनल पे, मैंने कभी सोचा नहीं था या कुशागर भाई ने कभी सोचा नहीं था कि हम लोग इस चैनल पे आके देखेंगे, अभी तक तो जब तक टर्म टू खत्म नहीं होता, लेकिन जो धंधा बना रखा है आए दिन हमारे खुद के दोस्त बोल रहे हैं कि यार टेंशन हो रही है, पढ़ाई नहीं हो पा रही, यार ये कर रहा है कोई, ये कर रहा है कोई, वो कर रहा है, उस चक्कर में हम लोगों को आज अपना एक्स्ट्रा टाइम निकाल के सिर्फ आप लोगों से 1-to-1 टॉक करने आना पड़ा, ठीक है, आप लोग देख लेना। और एक और चीज़, अगर मैं इस वीडियो में थोड़ा ज़्यादा रूड हो गया तो यार मुझे माफ़ कर देना, लेकिन हाँ ये ज़रूरी था, मैं आपको अपना भाई मानता हूँ, मैं कभी सब्सक्राइबर को व्यूज़ के लिए नहीं रखा, ठीक है, ना मैं आपको लाइक करने के लिए बोलूँगा, ना डिसलाइक करने के लिए बोलूँगा, अच्छी लगे आप लोग अपने मन से लाइक कर दो, ना मेरे को सब्सक्राइब के लिए मैं भीख मांगूंगा, ठीक है, मेरे को आप लोगों से बात करनी थी, मैंने आप लोगों से बात कर ली, अब आगे आपका डिसीजन है। CBSE की वेबसाइट में एक एक पॉइंट पर चेक करवा रहा हूँ आपको, देख लो आपको कुछ भी नहीं मिला, कुछ मिला ही नहीं है, मैं कोई सब्सक्राइबर की भीख नहीं मांग रहा, मैं नहीं बोल रहा आपको कि कोई सब्सक्राइब करो, अच्छा लगे तो अपने आप से कर दो कि हाँ अगर ये चीज़ हेल्पफुल रही हो। मैंने CBSE में एक एक फ़ोन लगा के देखा, CBSE की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया, ना कोई फ़ोन उठा, ठीक है, आप लोग देख रहे हो जैसे मैंने अपने फ़ोन स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, कोई फ़ोन नहीं लगा। मैंने सोचा था कि आपको एक प्रूफ दे दूँ कि CBSE आगे से क्या बोलने चला है, आगे से CBSE का स्टेटमेंट देता है, ठीक है। तो यार चलो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द से जल्द, जय हिंद, वंदे मातरम।